सो प्रोटीन हम कवर कर चुके हैं, आज हम कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट इज आर सेकेंड मेजर मैक्रो मॉलिक्यूल प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ओके, अब कार्बोहाइड्रेट और अगर हम बोले ग्लाइको बायोलॉजी, तो ग्लाइको बायोलॉजी एक्चुअली में स्टडी है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, जो भी कार्बोहाइड्रेट कंटेंट प्रेजेंट है सेल के अंदर, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, दैट वी स्टडी इन ग्लाइको बायोलॉजी। नाउ कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं। और इसमें जैसे कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या है, सबसे ज्यादा अबंडेंट कोई बायो मॉलिक्यूल है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, द मोस्ट अबंडेंट बायो मॉलिक्यूल ऑन अर्थ। ठीक है, बायो मॉलिक्यूल की बात हो रही है, बाकी नॉर्मल मॉलिक्यूल्स की बात नहीं हो रही है। सो बायो मॉलिक्यूल में जो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे नेचर में, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट कितना प्रेजेंट है, और इसका अंदाजा आप इस पॉइंट से लगा सकते हैं दैट ईच ईयर फोटोसिंथेसिस से 100 बिलियन मैट्रिक टन CO2 एंड वाटर जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सेल्यूलोज में। राइट, तो सेल्यूलोज प्लांट्स का जो कंपोनेंट है प्लांट सेल में, सेल्यूलोज, और इसमें जो है सबसे ज्यादा जो है ये CO2 वगैरह और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट होके इसके अंदर स्टोर हो जाते हैं। ओके, सो 100 बिलियन मैट्रिक टन, सो दैट इज वाई दे आर सेइंग दैट कार्बोहाइड्रेट जो है दैट इज द मोस्ट अबंडेंट बायो मॉलिक्यूल। राइट, बिकॉज फोटोसिंथेसिस तो सभी जगह चल रहा है, और फोटोसिंथेसिस से मेनली बनता क्या है, ग्लूकोज बनता है, और जो ग्लूकोज है वो फर्दर बाकी जो आपके फिर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं या उसके जो डेरिवेटिव हैं उनको फॉर्म किया जा सकता है उससे। सो क्योंकि फोटोसिंथेसिस लगातार हो रहा है तो ग्लूकोज बन रहा है, और ग्लूकोज का एक कार्बोहाइड्रेट है। ओके, सो इससे हमें पता चलता है कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है। इसके बाद क्या क्या मेजर रोल ये प्ले करता है उसको देख लेते हैं। तो जो मेजर रोल अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट में, सो सबसे पहले है डाइट्री की तरह प्रोडक्ट, आप उसको यूज कर सकते हैं फूड एज अ सोर्स। ठीक है, जिसमें शुगर है, स्टार्च है, जिसको हम यूज करते हैं। ओके, सो ग्रेन्स वगैरह इन सब में आपको क्या मिलेगा, स्टार्च मिलेगा। देन एनर्जी यील्डिंग मॉलिक्यूल, आपको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है जैसे कि सिंपल शुगर हो गया, तो शुगर से हम क्या कर रहे हैं, शुगर को यूटिलाइज करती है सेल किसके लिए, एनर्जी के लिए। ठीक है, एज अ एनर्जी सोर्स, जिससे वो एटीपी प्रोडक्शन करेगी और एटीपी को फर्दर फिर जो भी रिएक्शंस हैं जहां भी उसकी जरूरत है एनर्जी की, उसके लिए वो यूटिलाइज करेगी। सो डायट्री हो गया, एनर्जी यील्डिंग मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो गया। दूसरा है स्ट्रक्चरल एंड प्रोटेक्टिव एलिमेंट, जैसे कि सेल वॉल जो है बैक्टीरिया और प्लांट, ठीक है उसमें, और इसके अलावा जो कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स के अंदर। एज अ लुब्रिकेंट, ठीक है, स्केलेटल जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे दो बोन्स एक दूसरे से ज्वाइन हो रही हैं, उन जॉइंट्स के बीच में एज अ लुब्रिकेंट जो होता है सब्सटेंस, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एंड दे आर ऑल्सो यूज एज फॉर सेल सेल रिकॉग्निशन एंड एडेशन मॉलिक्यूल। तो एडेशन के लिए एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होती है, ठीक है, उसमें प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट। और अगर सेल सेल रिकॉग्निशन की बात करें, तो आपको पता है कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, उस आउटर मेम्ब्रेन, ये आपको पता है क्या है, लिपिड बाई लेयर होती है। राइट, और इस लिपिड बाई लेयर में यहाँ पे आपके कुछ प्रोटीन्स भी होंगे, इन्हीं से एसोसिएटेड यहाँ पर क्या है आपके कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। सो जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से अटैच होंगे इसको ग्लाइको प्रोटीन बोलेंगे, और अगर कोई कार्बोहाइड्रेट लिपिड मॉलिक्यूल से अटैच है तो दैट वी कॉल ग्लाइको लिपिड। और ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर ये जो कार्बोहाइड्रेट चेन्स हैं जो कि मेम्ब्रेन से अटैच है कहीं ना कहीं पर, ये एज अ सेल रिकॉग्निशन में यूज होती है, कोई दूसरी सेल किस तरीके से सेल को रिकॉग्नाइज करेगी, सो उसके लिए वो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर चेन है कार्बोहाइड्रेट की वो उनको रीड करेगी कि वो, और वो ही जो है सेल सेल रिकॉग्निशन होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक्ट करेगी फिर सेल। सो ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट रोल है किसके, कार्बोहाइड्रेट के। सो ये एक बेसिक ओवरव्यू हो गया कि कार्बोहाइड्रेट क्या रोल प्ले कर रहे हैं हमारे सिस्टम में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब आते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, क्या इसका स्ट्रक्चर है, किस तरीके से है, हम किन मॉलिक्यूल्स को कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे और किन्हें नहीं बोलेंगे। जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर हम अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं, सो अमाइनो एसिड के पास क्या था ऐसा जिसके इसको अमाइनो एसिड बोला था हमने, बताइए। हाँ, कार्बोक्सिल एंड और एंड अमाइनो, अमाइनो ग्रुप। ठीक है, तो उसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था और एक अमाइनो ग्रुप था जो कि अटैच थे कार्बन से, और इसलिए इसको बोला गया अमाइनो एसिड। नाउ जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं, सो कार्बोहाइड्रेट में जो चीज हमें देखने के लिए मिलेगी उसमें सबसे पहले है इसका
पॉली हाइड्रोक्सी, ये क्या होते हैं, ये होते हैं पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो जनरली पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं, ठीक है। ये इसमें एल्डिहाइड यानी कि CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा, और कीटोन होता है जब कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होती है, ठीक है। ऊपर यहाँ पे कोई चेन होगी और एक नीचे कोई चेन होगी, तो ये जो फॉर्म है दैट इज कीटोन। और पॉली हाइड्रोक्सी से मतलब है कि एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे, हाइड्रोक्सिल मतलब OH ग्रुप। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक से ज्यादा OH ग्रुप पर अटैच हो, उसके साथ में या तो उसके पास क्या हो, या तो उसके पास एक एल्डिहाइड ग्रुप हो या फिर उसके पास एक कीटोन ग्रुप हो, दोनों में से एक होना चाहिए, ठीक है। सो उस केस में हम उसे कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। नॉट ओनली ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, बट कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं या सब्सटेंस जो कि क्या है, ऑन हाइड्रोलिसिस, ऑन हाइड्रोलिसिस उनके हाइड्रोलिसिस के बाद हमें ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे, दैट मींस कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जिनका हाइड्रोलिसिस करने पे अगर हमें इस टाइप के प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो उस सब्सटेंस को भी हम कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, ठीक है। सो ये दो, ये कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी OH ग्रुप एक से ज्यादा होने चाहिए। दूसरा, या तो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए दोनों में से कोई, या फिर वो एक ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जिसके हाइड्रोलिसिस पे इस टाइप के कंपाउंड्स हमें मिले। तो ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे। इसके अलावा समटाइम्स वी यूज टर्म सैकेराइड्स। ओके, देयर इज अनदर टर्म दैट वी कॉल सैकेराइड, जैसे कि हम देखेंगे मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स। सो सैकेराइड्स भी टर्म आप यूज कर सकते हैं, और सैकेराइड का बेसिकली मीनिंग होता है शुगर, ठीक। ये आपने पहले पढ़ा होगा कि जो शुगर है वो भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और इन्हें हम सैकेराइड्स बोल सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए पहले मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ ताकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको वहां से मिल जाए कि जैसे कि कार्बन यहाँ पर हुआ, एक ये सेकंड, और ये थ्री कार्बन यहाँ पर हम ड्रॉ कर देता हूँ। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है, एल्डिहाइड होना चाहिए। एल्डिहाइड में आपको बताया CHO ग्रुप होता है, CHO का मतलब है कि एक ऑक्सीजन यहाँ पर होगी इस कार्बन से डबल बॉन्ड, और बाकी जो एक वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से फुलफिल कर लेगा। इसके अलावा बाकी जितने भी कार्बन हैं उस पर आप OH बना सकते हैं, तो OH एंड OH, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन और चाहिए इसकी वैलेंसी फुलफिल करने के लिए। ओके, सो ये जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है इसमें कितने, थ्री कार्बन हैं। ऊपर जो टॉप पे हमने देखा है तो ये आपका कौन सा ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिल ग्रुप, और सॉरी एल्डिहाइड ग्रुप। इसके अलावा ये क्या है, पॉली हाइड्रोक्सी हो गया, एक से ज्यादा OH यहाँ पर प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर हम कीटोन ग्रुप को शो करना चाहें तो कीटोन क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, और इसकी यहाँ पर एक कार्बन आएगा, एक कार्बन यहाँ पर आएगा, दैट मीन्स इसको एंड पे ड्रॉ नहीं किया जाएगा, इसको एंड से पहले ड्रॉ किया जाएगा। सो अगेन हम थ्री कार्बन ले लेते हैं, सो 1, 2 एंड 3 कार्बन इनको अटैच कर लीजिए। नाउ ये जो फर्स्ट कार्बन तो हो नहीं सकता क्योंकि हमें पता है यहाँ पे क्या है, CO ग्रुप होना चाहिए, सो इसको हम सेकंड पे लगा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा। बाकी जो कार्बन है उस पर OH बना लीजिए और इनकी वैलेंसी को फुलफिल कर लीजिए हाइड्रोजन से। ओके, सो इस केस में यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये हो गया कीटोन ग्रुप, राइट, और ये अगेन पॉली हाइड्रोक्सी हो गया। स्ट्रक्चर समझ में आया, कोई डाउट है इसमें, ये सुनो। नो सर। सो एल्डिहाइड, ये कीटोन, और ये आपकी क्या हो गई, पॉली हाइड्रोक्सी। सो ये जो हमने देखा है सबसे सिंपल जो है, सर उस स्ट्रक्चर में एक एक्स्ट्रा एच आ गया है कीटोन वाले में। कीटोन में एक्स्ट्रा, हाँ। सो ये जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं क्या है, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है। और ये जो हमने फर्स्ट जो हम देख रहे हैं दैट इज, ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरेल्डिहाइड। ओके, और ये जो है आपका दैट इज डाई हाइड्रोक्सी
ऐसी तो ये जो अब ग्लिसरेल्डिहाइड है और दूसरा क्या है डायहाइड्रोक्सी एसीटोन है, राइट। ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है और इसमें जो जिनके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है, उनको हम एल्डो बोल सकते हैं और जिनके पास कीटोन ग्रुप होता है उसको हम कीटो शुगर बोलते हैं। तो एल्डो शुगर और कीटो शुगर, तो एल्डो मतलब जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो, कीटो शुगर मतलब जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे कार्बन का नंबर क्या है 1, 2 और 3, तो इसको हम बोल सकते हैं ट्राई और इसके साथ लगा देते हैं ओज, तो ये एल्डो ट्रायोज हो जाएगा और ये हो जाएगा कीटो ट्रायोज। ट्राई मतलब 3 कार्बन, ओज जो है बेसिकली यूज किया जाता है शुगर के लिए, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट के लिए, एंड लास्ट में जो आपको ओज मिल जाएगा ग्लूकोज फ्रक्टोज, तो इस तरीके से। ओके, सो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किस तरीके से हमें शुगर देखने के लिए मिलेगी। नाउ अगर हम बात करें कि एक ऐसा केमिकल फॉर्मूला जो कि सभी एक तरीके से जो ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट उनको रिप्रेजेंट कर सके, सो दैट वी कॉल एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। जैसे कि आपने पहले पढ़ा होंगे हाइड्रोकार्बन के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा होगा। सो इसमें क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है दैट इज CH2ON। अब N जो है दैट इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से, ओके। और बेसिक फॉर्मूला ये है दैट इज CH2O। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ग्लूकोज के लिए, सो ग्लूकोज के पास कितने कार्बन होते हैं 6 कार्बन, राइट। ग्लूकोज में 6 कार्बन शुगर, सो अगर 6 कार्बन शुगर है तो यहाँ पे N की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो उस केस में क्या फॉर्मूला बनेगा बताइए जरा, CH2O और बाहर आ गया आपका 6, तो 6 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा C6H12O6। तो आपने देखा कि ग्लूकोज भी जो है 6 कार्बन है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि कितने कार्बन शुगर है और आप इस एम्पिरिकल फॉर्मूले में उसकी वैल्यू पुट करके उसका जो फॉर्मूला है केमिकल फॉर्मूला उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एम्पिरिकल एक एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब कि जो बेसिक उस कैटेगरी के लिए जो फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, तो उस कैटेगरी के लिए जो फॉर्मूला है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये केमिकल फॉर्मूला है जो कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए हुआ। सो दिस वन इज केमिकल फॉर्मूला। ओके, नाउ तो जरूरी नहीं है कि शुगर के अंदर सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही हो, कुछ शुगर ऐसे भी हैं जिनके अंदर आपको नाइट्रोजन भी मिल सकती है, फॉस्फोरस भी मिल सकता है और इसके अलावा कुछ शुगर्स में आपको सल्फर भी मिलेगा, जैसे कि हम आगे स्टडी करेंगे। ओके, तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस और सल्फर भी इनके स्ट्रक्चर में इंक्लूड हो सकता है, तो अभी उसको एम्पिरिकल फॉर्मूला में नहीं शो किया क्योंकि ज्यादातर शुगर्स में नहीं है, बट जिनमें होगी उसमें उनके फॉर्मूले में S और N या फिर P भी आ सकता है। सो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर से रिलेटेड ओवरव्यू। देन अगर हम बात करें, नेक्स्ट मूव करते हैं, नाउ मेजर क्लासेस, जो मेजर 3 क्लासेस है कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है, और इसमें जो सबसे पहली क्लास आएगी दैट विल बी मोनोसैकेराइड। दैट मीन्स हम जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट इज मोनोसैकेराइड। मोनो से ही आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि इसमें कितने कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, वन, राइट, और इसको आप सिंपल शुगर भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो ऐसी शुगर या ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें क्या हो आपका सिंगल एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है, पॉलीहाइड्रोक्सी तो रहेगा ही सब कुछ, ठीक है, बट अगर सिंगल एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है तो ऐसी शुगर को हम मोनोसैकेराइड बोलेंगे, ठीक है। तो अगर 2 एल्डिहाइड ग्रुप है तो वो किसी 2 ग्लूकोज 2 कार्बोहाइड्रेट के अटैच होने से आएंगे, ठीक है, तो इसलिए सिंगल एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप के ऊपर प्रेजेंट होगा। और इसमें आपको पता है जो सबसे ज्यादा अबंडेंट है इसमें, ठीक है, वो कौन है,
इस पे भी मोस्ट अबेंडेंट कौन होगा बताइए, मोस्ट अबेंडेंट मोनोसेक्राइड। यस, सो मोस्ट अबेंडेंट मोनोसेक्राइड की अगर हम बात करेंगे तो दैट इज ग्लूकोज, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से यही प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और ये क्या है, सिक्स कार्बन शुगर है, और इसके अलावा हम इसको बोलते हैं डी ग्लूकोज, क्योंकि इसका भी आइसोमर है, अभी उसको हम आगे स्टडी करेंगे जो इसका आइसोमर है। देन इसमें सेकेंड जो कैटेगरी है दैट इज ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स, इसके अलावा डाइसैकेराइड भी हो सकते हैं, ट्राइसैकेराइड हो सकते हैं। डाई का मतलब है जब दो ग्लूकोज यूनिट बाइंड कर जाएंगी, ठीक है, तो दैट इज डाई, ट्राई मतलब तीन अटैच हो रही है, और इसी तरीके से आएगा ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड क्या हो जाएगा, ये आपकी शॉर्ट चेन हो जाएगी, शॉर्ट चेन ऑफ व्हाट, मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स यूनिट। जैसे हमने देखा था अमाइनो एसिड क्या है, मोनोमर है किसके, प्रोटीन्स के। तो ओलिगोसैकेराइड्स में क्या हो रहा है कि मोनोसैकेराइड्स एक दूसरे से अटैच होकर के चेन फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो बॉन्ड होता है, जैसे उसमें था पैप्टाइड बॉन्ड था वहां पर, जिस जो कि अटैच कर रहा था दोनों यूनिट्स को, दोनों अमाइनो एसिड एसिड को, यहाँ पर जो बॉन्ड है दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ओके। सो यहाँ पर जो बॉन्ड होता है दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वहां पर जो होता है दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। द नेक्स्ट, इसमें अगर आप, इस पर अगर हम बात करें, इसका एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं, इसका एग्जांपल क्या जाएगा, सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज क्या होती है, हमें केन में मिलते, तो इसको हम केन शुगर भी बोलते हैं, ठीक है। केन, अब सुक्रोज किससे बना होता है आपको पता है, सुक्रोज में क्या क्या होगा, इसमें आपका होता है डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज। सो फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज जब ये दोनों एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं तो दैट वी कॉल सुक्रोज, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका पॉलीसेकेराइड्स। अब पॉलीसेकेराइड्स नाम से क्लियर, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ओलिगो और पॉली, तो सिमिलरली इस केस में भी, तो पॉलीसेकेराइड में क्या हो जाएगा, जब मोर देन 20, ठीक है, जब मोर देन 20 मोनोसैकेराइड यूनिट जब एक दूसरे से बाइंड हो जाती हैं, सो उस केस में हम उसे क्या बोलेंगे, पॉलीसेकेराइड। इज दिस क्लियर? यस सर। अब जल्दी से एक दो एग्जांपल बता दो इसके, पॉलीसेकेराइड के, जो आपने पढ़े हो पहले, स्टार्च, 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 इसमें स्टार्च आ जाएगा और ग्लाइकोजन आ जाएगा और इसमें सेल्यूलोज भी आ जाएगा, ठीक है। सो ये सब क्या है, आपके कुछ एग्जांपल हैं पॉलीसेकेराइड, जिसमें ये जो सेल्यूलोज है, ये इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका होता है लीनियर स्ट्रक्चर, ये लीनियर चेन है, लेकिन जैसा भी हम आगे स्टडी करेंगे, ये जो ग्लाइकोजन है ये क्या है आपका, ये ब्रांच, ओके। और सफिक्स मैंने आपको बताई दिया है, किसमें क्या है, सफिक्स जो यूज होगा इन सब के नाम में क्या आएगा, दैट इज जो भी आपके शुगर्स वगैरह हैं उसमें ओज वर्ड यूज किया जाएगा लास्ट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ऑक्टोज, ओके। सो ये थ्री मेजर क्लासेस हैं, अब इसमें से हम एक एक क्लास को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद मोनोसैकेराइड्स। नाउ मोनोसैकेराइड्स की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं सबसे पहले। सो मोनोसैकेराइड्स कैसे होते हैं, ये आपके कलरलेस होते हैं, इसके अलावा ये क्रिस्टलाइन होते हैं, जैसे आपने देखा वो शुगर नीली क्या होती है, ये कैसे होती है, क्रिस्टलाइन होती है, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। और ये क्या है, इसके साथ साथ ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, और वाटर सोल्यूबल होंगे भी क्योंकि इनके पास क्या, कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैसा है, पोलर ग्रुप है, और जो पोलर ग्रुप होते हैं वो पोलर सॉलिड पे डिसॉल्व हो सकते हैं, इसलिए ये क्या है, वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। इसके अलावा ये कैसी होती है, स्वीट इन टेस्ट, ठीक। सो मेनली जो हमारी जो टंग है उसके ऊपर कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, टेस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं। और टेस्ट क्या है कि जो हमारी टंग के ऊपर जो बर्ड्स हैं
वो जब टेस्ट को मतलब इन मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करते हैं तो वो एक सिग्नल जनरेट करते हैं नर्व्स में, और वो जो सिग्नल है नर्व्स के थ्रू ब्रेन में जाएगा, वो ब्रेन उसे कंसिडर करेगा कि ये कौन सा मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो जो ज्यादातर क्या है कि जो ज्यादातर जो फूड आइटम्स हैं जो हम खाते हैं उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इवोल्यूशन क्या हुआ कि जो हमारा ब्रेन है उसने इसको क्या है, एक फीलिंग से अटैच कर दिया। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली अब कोई ऑर्गेनिज्म है वो उस खाने की तरफ क्यों जा रहा है, मतलब कोई फ्रूट्स क्यों खाना चाहेगा, क्योंकि वो टेस्टी होते हैं, राइट। तो टेस्टी उसमें मीठा बने तो उसके लिए उसको लोग खाते हैं। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इवोल्यूशन ब्रेन ने मैकेनिज्म डेवलप कर लिया कि अगर ये ऑर्गेनिज्म इसे खाएगा तो उसको स्वीट लगेगा, तो ताकि जो भी है मंकी वगैरह जो भी है वो उसको खाने के लिए जाए। ठीक है, तो इसीलिए कुछ चीजें आपको स्वीट लगेंगी, कुछ चीजें बिटर लगेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से टेस्ट जो है वो स्वीट हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इवोल्यूशन ये इस तरीके का मैकेनिज्म डेवलप हुआ ताकि ऑर्गेनिज्म ऐसी चीजें ज्यादा कंज्यूम करे जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। ठीक है, सो ये इसका पीछे का लॉजिक है। नाउ इसमें अगर हम आगे बात करें तो क्योंकि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, सो मेनली जहां जहां पर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा वहां पर आपको क्या मिलेगा, कायरल सेंटर। क्या होता है कायरल सेंटर, जल्दी से बताइए। हाँ, जिसके चारों ग्रुप में मतलब चारों साइड अलग अलग उससे बॉन्ड जिस कार्बन से फोर डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं उसे हम कायरल कार्बन बोलते हैं, कायरल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर भी जो ऐसे कार्बन एटम है, कार्बन एटम टू विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच, ठीक है, तो ऐसे जो हम देखेंगे शुगर के अंदर ऐसे कार्बन जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो कायरल सेंटर की तरह वर्क करते हैं। अब क्योंकि कायरल सेंटर है तो जब कायरल होता है तो उसकी वजह से क्या बनते हैं, इनेंशियमस। तो उन्हें अगर ब्रॉड कैटेगरी में बात करें तो दैट इज स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म होने की कुछ कंडीशन है जिसमें हमने देखा था डबल बॉन्ड होता है, और उसके बाद जो हमने कैटेगरी देखी थी उसमें था कि जिन ऐसे कार्बन जिनके फोर डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं उनके भी स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। ठीक है, यानी कि उनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर जो है, पोजिशनिंग जो है ग्रुप्स की वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, सो क्योंकि यहाँ पर जो ये शुगर है ये कैसे हैं, कायरल कार्बन इनके ऊपर प्रेजेंट है, इसीलिए जो एंजाइम इनके ऊपर एक्ट करते हैं वो भी कैसे होंगे, स्टीरियो स्पेसिफिक। तो ऐसे एंजाइम जो इन शुगर्स को रिकॉग्नाइज करेंगे वो भी आपके स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइप के आइसोमर पर ही एक्ट करेंगे। जैसे कि प्रोटीन में भी हमने देखा था कि एक पर्टिकुलर टाइप के अमीनो एसिड ही जो है वो आपके प्रोटीन के अंदर में देखने के लिए मिलते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि जो एंजाइम्स हैं वो क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक है नेचर में। ठीक है, बट वहां पर कौन सी फॉर्म जो डोमिनेटिंग थी, एल या डी, एल, बट यहाँ पर आपको देखने के लिए डी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डी ग्लूकोज में देखने के लिए मिलेगा ज्यादातर। सो यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कि अमाइनो एसिड एल है तो ग्लूकोज पी एल है, यहाँ पर जो है डी आइसोमर ज्यादा स्टीरियो स्पेसिफिक है एंजाइम के। इज दिस क्लियर सर? स्टीरियो स्पेसिफिक वाला टर्म नहीं समझा। स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब जो एंजाइम जिस रिएक्शन को कैटलाइज कर रहे हैं उसको एक सब्सट्रेट चाहिए होगा जिसको भी कर रहे हैं वो, अब वो सब्सट्रेट जो है मान लीजिए कि वो ग्लूकोज है सब्सट्रेट फॉर एग्जाम्पल। अब ग्लूकोज दो फॉर्म में हो सकता है, एल और डी, तो अब वो एल ग्लूकोज को के ऊपर एक्ट करेगा या डी ग्लूकोज के ऊपर एक्ट करेगा, सो दैट इज स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। सो जो एंजाइम है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप के आइसोमर पर ही एक्ट करते हैं, या तो वो एल पर करेंगे या वो डी पर करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो डी ग्लूकोज है जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेंगे, जैसे अमाइनो एसिड के केस में वो एल टाइप के थे। ठीक है, ये इसी तरीके से है जैसे कि बुक में एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है कि लेनिंगर में, कि जैसे आपके ग्लव्स होते हैं तो आप राइट हैंड का ग्लव्स राइट में पहनोगे, लेफ्ट वाला लेफ्ट में पहनोगे, अगर लेफ्ट हैंड का ग्लव्स आप राइट में पहनोगे तो आपको दिक्कत होगी। इसी तरीके से एंजाइम को भी दिक्कत होती है जब वो किसी दूसरे टाइप का आइसोमर पे एक्ट करता है। क्लियर हो गया? सर अगर मान लीजिए उसे डी पे बाइंड होना था लेकिन उसने एल पे बाइंडिंग कर ली तो क्या कर ही नहीं नंबर पाएगा, चेंज नहीं कर पाएगा, उसकी हो? अच्छा, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी चेंज हो जाती है। वो जो कैविटी अंदर बनी हुई है ना उस कैविटी में वो ही जाकर के फिट होगा जो इस पर्टिकुलर टाइप का आइसोमर होगा। ठीक है, ओके। चलिए मैं एक
एक सेकंड रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ये टेस्ट बर्ड का दिखाया हुआ है, और ये एक्स, और ये जो आप देख रहे हैं साइट्स, ये एक्स है, ये बी माइनस, सॉरी एच पॉजिटिव, ये साइट्स है रिसेप्टर के ऊपर जो रिसेप्टर रिकॉग्नाइज करता है ग्लूकोज वगैरह, ठीक है। तो उसी की वजह से क्या है वो टेस्ट रिकॉग्निशन हो रहा है, कि जो मॉलिक्यूल जब इसमें आके फिट हो जाएगा तो वो जो है एज अ सिग्नल जो है रिसेप्टर और जो है उसे नर्व में भेज देगा, ठीक है। सो ये जो टेस्ट रिसेप्टर है स्वीट, तो स्वीट कब लगेगा उसे, ये स्वीट उसे तब लगेगा जब ये जो तीन साइट है वो जो है ऑक्यूपाई हो जाएंगी। सो ये जो है एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है एस्पार्टेम, ठीक है, ये एलएल टाइप का है, ठीक है। तो जब एलएल केस में है इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री, उस केस में ये परफेक्टली फिट हो जाता है इन तीनों साइट पर, जिसकी वजह से ये स्वीट लगता है। लेकिन इसी का दूसरा आइसोबर की बात करें तो ये है डीएल, ठीक है, ये भी एस्पार्टेम है, वो भी एस्पार्टेम है, बट वो एलएल टाइप है और ये डीएल है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो एक्स वाली साइट है रिसेप्टर के ऊपर वो अभी क्या है अनऑक्यूपाइड हो गई, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस आइसोमर। सो ये स्ट्रक्चर यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, बट एल एल की वजह से ये फिट हो जा रहा था, बट यहाँ पे एल डी होने की वजह से ये बाहर रह गया, ठीक है। सो जिसकी वजह से ये साइट वेकेंट रह गई, और इस केस में कैसा टेस्ट आएगा, बिटर। सो दैट मीन्स रिसेप्टर भी क्या है, वो भी स्टीरियो स्पेसिफिक है, कि किस टाइप का जो है आइसोमर आएगा वो बाइंड करेगा तो स्वीट टेस्ट जनरेट होना है, और अगर कोई दूसरे टाइप का आइसोमर आएगा तो बिटर टेस्ट जनरेट होगा। सो ये एस्पार्टेम आर्टिफिशियल है स्वीट, तो अगर ये रहता है तो स्वीट लगेगा, और इस टाइप का स्टीरियो आइसोमर है तो बिटर की फीलिंग वो टेस्ट आएगा, ओके। सो ये है स्टीरियो, तो ये तो हो गया रिसेप्टर के लिए। इसी तरीके से एंजाइम के ऊपर भी साइड्स होते हैं, और एंजाइम भी उस सब्सट्रेट को ही कैटलाइज कर पाएगा जो उस कैविटी में परफेक्टली फिट हो जाएगा। तो मैंने उस तरीके के एग्जांपल में आपको शो किया है, ये रिसेप्टर के लिए, बट एंजाइम जो एक्टिव साइट होती है वो इसी तरीके से बाइंड करेगी सब्सट्रेट से। अभी क्लियर हो गया? तो इसीलिए जो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एंजाइम है, वो क्या प्रोटीन से बने, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड है, और अमाइनो एसिड भी स्टीरियो स्पेसिफिक है, तो इसीलिए वो एक टाइप को ही रिकॉग्नाइज करेंगे। नाउ ये कुछ एग्जांपल यहाँ पर है आपके सामने, तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ पर है आपके पास ये ट्रिग्लिसरीडाइड, जिसको एल्डोट्राइज बोला जाए, ये डीहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये स्ट्रक्चर अभी हमने ड्रॉ किया था दोनों का, ये आपका डी ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में आप देख सकते हैं ये सबसे ऊपर टॉप पर आ जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप, तो OH ग्रुप यहाँ पर, तो थ्री राइट हैंड साइड है, एक आपका लेफ्ट हैंड साइड है, वो भी थर्ड कार्बन के ऊपर, और लास्ट में भी है CH2OH। फिर ये फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज क्या है, कीटो शुगर है, तो कीटोज है तो क्या है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप आएगा और ये सेकेंड कार्बन आपको मिलेगा। इसी तरीके से राइबोस और ये आपकी 2-deoxy राइबोस। सो 2-deoxy मतलब जो एक ऑक्सीजन है OH ग्रुप है वो वहां से रिमूव कर दिया है, कौन सा रिमूव किया है, ये वाला 2 का मतलब है सेकंड कार्बन पर, ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन था, ये सेकंड कार्बन था, तो ये सेकंड कार्बन है, इससे जो है OH हट गया है, ऑक्सीजन हट गया यहाँ से, इसलिए उसको बोला 2-deoxy राइबोस शुगर। और राइबोस शुगर हमें कहाँ मिलती है, आरएनए में, राइबोस। सो जो न्यूक्लिक एसिड है तो उसमें हमें राइबोस शुगर मिलेगी, तो उसमें अगर आरएनए है तो राइबोस और डीएनए तो डीऑक्सीराइबोस, तो सेकंड कार्बन पे यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन नहीं है उसके साथ, तो शुगर बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे मूव करते हैं, ओके। नाउ आफ्टर स्टीरियो स्पेसिफिसिटी यहाँ पर डायग्राम है हमारे पास, यस। सो यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें जैसे हमने बाकी के लिए देखा था, तो यहाँ पर भी क्या है इनके स्टीरियो आइसोमर्स हो सकते हैं। सो यहाँ पे ऊपर आपको शो किया गया है बॉल एंड स्टिक मॉडल, ठीक है, इसमें यहाँ पे सबसे ऊपर क्या है CHO ग्रुप है, ये आपका OH और ये हाइड्रोजन और ये क्या है CH2OH, तो ये आपका डीग्लिसरैल्डिहाइड है। इसका मिरर इमेज जो है, ठीक है, मिरर इमेज में क्या है, मिरर इमेज में OH यहाँ फ्रंट में था, यहाँ पर ये फ्रंट में है, ये CHO इधर आ गया, CH2OH ये आगे आ गया है, और ये आपका हाइड्रोजन पीछे की तरफ है। सो इस केस में क्या है कि जो OH पहले यहाँ था इस मॉलिक इस कार्बन के आगे, अब वो कार्बन से किधर आ गया है, पीछे की तरफ आ गया है, ठीक है।
आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है। तो पहले OH इस साइड था, अब ये इस साइड पर आ गया मिरर इमेज की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये पहले फ्रंट में है और इधर भी ये होना कहाँ चाहिए था, ये होना चाहिए था यहाँ पर, बट क्योंकि मिरर इमेज है तो ये इस साइड आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें दिख रहा है। और फिशर प्रोजेक्शन में आप देखेंगे तो फिशर प्रोजेक्शन में आपको इस तरीके से दिखाई देगा। सो एल और डी टाइप, सो डी टाइप में क्या होगा, डी टाइप में राइट हैंड साइड होता है OH, और एल टाइप में क्या होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड होगा, ठीक है। सो बस आप एल से याद रख सकते हैं कि एल टाइप मतलब लेफ्ट हैंड साइड और डी टाइप मतलब राइट हैंड साइड, उसका जस्ट अपोजिट, ओके। इस तरीके से आप इसको याद रख पाएंगे। चलिए अब कुछ फर्दर पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। जिस कार्बन एटम से आपका क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन, जिस कार्बन एटम से ऑक्सीजन बाइंडेड है और क्या बनाया हुआ है, डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है, उस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, कार्बोनिल ग्रुप। और ये आपको दोनों में देखने के लिए मिलेगा, चाहे आप एल्डिहाइड की बात करें चाहे कीटोन की बात करें। तो एल्डिहाइड में भी क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ पर आएगा, और अगर कीटोन की बात करें तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ। सो दोनों ही केसेस में क्या है, ये कार्बन और उसे क्या है, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन अटैच्ड है, और इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो इसका नाम याद रखेगा, अभी आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए बताया आपको, ओके। नाउ अगर ये जो कार्बोनिल कार्बन है, ठीक है, अगर ये जो कार्बोनिल कार्बन है ये आपका एंड पे प्रेजेंट है, एट एंड ऑफ द चेन, अगर एंड ऑफ द चेन पे प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलेंगे, तो उस केस में कौन सा ग्रुप होगा, ये एल्डिहाइड ग्रुप होगा, और उस केस में इसको बोलेंगे एल्डोस। और अगर ये जो है आपका, ये कहां पर प्रेजेंट हो, दूसरे केस में, कोई दूसरी पोजीशन पे, एनी अदर पोजीशन, तो बीच में आ जाएगा, और बीच में आ जाएगा तो कौन सा ग्रुप बनाएगा, कीटोन ग्रुप, ठीक है, उस टाइम पे कीटोन ग्रुप बनाएगा, और जब कीटोन ग्रुप होगा तो इसे क्या बोलेंगे, कीटोस शुगर, सिंपली कीटोस या फिर एल्डिहाइड्स, ओके। तो जो ग्लिसरेल्डिहाइड है वो किस टाइप की है, शुगर, एल्डोज है कीटोज है, एल्डोज है, ठीक है। और जो हमारी डायहाइड्रोक्सी एसीटोन देखा था हमने पीछे, ओके। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारे ग्लूकोज मतलब जो, क्योंकि ये क्या है, स्टीरो आइसोमर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, और स्टीरो आइसोमर्स प्रेजेंट होने की वजह से ग्लूकोज के पास कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, और उसमें से जो बाकी के जो कार्बन है एक को छोड़ के उन पर क्या है, OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो उसमें जो OH ग्रुप प्रेजेंट है उसकी वजह से क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसके आइसोमर्स फॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि अगर देखा स्टीरो आइसोमर्स फॉर्म होंगे, तो अब उन्हीं के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो कैसे पता करेंगे कि किसके पास कितने कायरल सेंटर हैं, तो उसके पास कितने आइसोमर्स, कितने स्टीरो आइसोमर्स उसके बन सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था प्रोटीन में, कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर मान लीजिए किसी के पास 2 कायरल कार्बन है तो उसके कितने स्टीरो आइसोमर्स पॉसिबल है, 4। कैसे फाइंड आउट करें, 2 × 2 सर, एक का 2 बनता है तो 2 बचा इसका फॉर्मूला है 2 × n, तो एक कायरल सेंटर होगा तो उसे 2 बन जाएगी, 2 है जैसे मैंने बताया, 2 तो जितने कायरल सेंटर होंगे उसकी सिंपली मल्टीप्लाई करनी है आपको 2 से, और आपको क्या मिल जाएगा कि उसके कितने स्टीरो आइसोमर्स पॉसिबल हैं, ठीक है। तो जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं, ऑल मोनोसेक्राइड्स, उन सबके क्या हैं, उन सबके स्टीरो आइसोमर्स हैं, ठीक है, उनके पास आप कह सकते हैं कि एक या एक से ज्यादा, 1 or more कायरल कार्बन प्रेजेंट है। बट एक को छोड़ के, और जो क्वेश्चन आता है वो ज्यादातर वो एक्सेप्शन से ही आता है, और इस केस में जो एक्सेप्शन है दैट इज डायहाइड्रोक्सीएसीटोन। क्यों नहीं है डायहाइड्रोक्सीएसीटोन,
क्योंकि जो सही है। कार्बन है हाँ वो डबल बॉन्ड हो सकता तो कार्बन जो है उससे फोर डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए, और उसमें क्या है सी डबल बॉन्ड ओ आ गया है, तो उस वजह से वहां पर जो है एक्सेप्शन है ये, तो वहां पे कार्बन सेंटर नहीं आ पाया है। और बाकी जो एंड पे जो है तो आपको पता है सी एच टू ओ एच देन सी डबल बॉन्ड ओ एंड सी एच टू ओ एच। अब क्योंकि यहाँ पर इसी कार्बन से दो हाइड्रोजन अटैच्ड है तो ये दो अलग ग्रुप नहीं हो गए, ये सेम हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन अटैच है एक कार्बन से तो ये भी फोर डिफरेंट ग्रुप नहीं हुए, और ये जो कार्बन है इसमें तो दो बॉन्ड एक ही एटम के साथ बनाए हुए हैं तो यहाँ पर भी फोर डिफरेंट ग्रुप्स नहीं हो पाए। तो इसी वजह से ये जो डायहाइड्रोक्सी एसीटोन है ये एक्सेप्शन है, इसके पास कोई भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है। बाकी जितने भी हैं उसमें कोई या तो एक या एक से ज्यादा दो या तीन उसके अंदर प्रेजेंट होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ग्लिसरेंडाइड में कितने हैं बताइए जरा, एक बार देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पे शो भी किया है यहाँ पे नहीं शो किया है, बना लीजिए मैंने आपको बताया भी है। तो ग्लिसरेंडाइड में कितने हैं जल्दी से बताइए, ग्लिसरेंडाइड में कितने कायरल कार्बन प्रेजेंट है? एक है। ठीक सो इसके पास एक है, वन कायरल सेंटर। ठीक है, सो इसके पास कायरल एक ही सेंटर होगा, वो भी कौन सा है जो मिडल वाला कार्बन है। ठीक है, उस क्योंकि उसी कार्बन से आपके फोर डिफरेंट ग्रुप अटैच है। फर्स्ट हो जाएगा सी एच ओ और यहाँ पर क्या है आपका सी एच एंड ओ एच एंड यहाँ पर आपका सी एच टू ओ एच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कार्बन है यहाँ पर इससे कितने ग्रुप अटैच हैं, फोर डिफरेंट ग्रुप यहाँ पे अटैच है, और इस कार्बन ने तो डबल बॉन्ड बनाया हुआ है इसलिए इसके साथ नहीं है, और यहाँ पर आगे दो हाइड्रोजन होगा तो इसके पास भी सिर्फ एक सिंगल कायरल सेंटर है, और इसलिए इसके कितने हो जाएंगे आइसोमर, दो इसके दो आइसोमर दो है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है दैट इज इनिशियोमर्स। ठीक है, इसको ये जो आपने यहाँ पे जो दो आइसोमर है इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं इनिशियोमर। ठीक है, जिसमें क्या है तो ये एक ग्लूकोज के एक ही मतलब मॉलिक्यूल के दो डिफरेंट आइसोमर है। ठीक है, तो जहां पर एक कार्बन पे क्या हो किसी एक कार्बन पर ओ एच ग्रुप की पोजीशन चेंज हो डिफरेंट हो। ठीक है, तो उस केस में उसे हम क्या बोलेंगे इनिशियोमर बोलेंगे, पूरा स्ट्रक्चर सेम होगा बट उस एक पर्टिकुलर कार्बन पे क्या होगा ओ एच ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी, मतलब कोई लेफ्ट में तो राइट में हो सकता है, राइट में तो लेफ्ट में होगा, तो ऐसे इस टाइप के जो आइसोमर है उन्हें हम इनिशियोमर्स बोलेंगे। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको बताई दिया है कि इसका फॉर्मूला क्या है, टू एन फॉर नंबर ऑफ आइसोमर्स फाइंड आउट करने के लिए, स्टीरो आइसोमर फाइंड आउट करने के लिए। इसके बाद इसमें बाकी और कुछ रह नहीं गया, अब हमें स्ट्रक्चर देख लेना है बाकी। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं डी मैनोज, तो डी मैनोज में कौन सा और डी ग्लूकोज में कौन सा कार्बन डिफरेंट है जल्दी से बताइए, मैनोज और ग्लूकोज में कौन कौन से सेकंड कार्बन। तो आप देख सकते हैं जो सेकंड कार्बन है यहाँ पर, ठीक है, इस पे ओ एच ग्रुप की पोजीशन क्या है डिफरेंट है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है। तो मैनोज और ग्लूकोज क्या हुए, इन्हें इनिशियोमर बोल सकते हैं या नहीं, सॉरी इन्हें बोलेंगे एपिमर। सो द टर्म इज एपिमर, इनिशियोमर आपके होते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज, सॉरी द टर्म इज एपिमर फॉर दिस। ठीक है, जहां पर क्या हो एक पोजीशन पे कार्बन एटम की कंफिग्रेशन डिफरेंट हो दो शुगर में तो उससे हम बोलेंगे उसका एपिमर। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज और मैनोज है ये क्या है एक दूसरे के एपिमर है। ठीक है, इनिशियोमर तो होता है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, तो उस टर्म को यहाँ से हटा दिया गया, दिस इज कॉल्ड एपिमर। इसी तरीके से ग्लूकोज और जो लैक्टोज है इसमें भी देखें इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फोर्थ कार्बन ठीक है, तो इसमें फोर्थ कार्बन का आप देख सकते हैं यहाँ पे ओ एच ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है, सो ग्लूकोज और गैलेक्टोज इन्हें भी क्या बोलेंगे हम, ये भी क्या है एपी। एपिमर्स ठीक है, सो दीज आर आल्सो एपिमर्स, तो एपिमर्स जो है जिसमें एक कार्बन की पोजीशन डिफरेंट होगी तो उस केस में आप उसे उसका एपिमर बोलेंगे। तो ग्लूकोज के दो एपिमर हो गए, एक हो गया मैनोज और दूसरा हो गया गैलेक्टोज। मैनोज जो है वो सेकंड कार्बन पोजीशन पे चेंज होता है, और जो गैलेक्टोज है ये आपका फोर्थ कार्बन पे जो पोजीशन है उसमें जो चेंज होता है। ठीक है,
इसके अलावा बाकी इसमें ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं और उनके नाम आपको गिवन है। जैसे कि सबसे सिंपल स्ट्रक्चर जो है दैट इज 3 कार्बन। तो 2 कार्बन से कभी कोई शुगर स्टार्ट नहीं होती, 3 कार्बन से स्टार्ट होगी और दैट इज डी ग्लिसरेल्डिहाइड। उसके बाद 4 कार्बन शुगर आ जाएगी तो उसमें आ जाएगा एरिथ्रोज एंड ट्रियोज। फिर 5 कार्बन शुगर में आपकी राइबोज आ जाएगी, अरेबिनोज आ जाएगी, जाइलोज आ जाएगी, लाइसोज आ जाएगी। ठीक है, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। आप देख सकते हैं सब में 5 कार्बन प्रेजेंट है। जो इसमें चेंज हुआ है वो क्या चेंज हुआ है, OH ग्रुप की पोजिशन। जैसे आप देखेंगे तो ये जो फर्स्ट, ये जो सेकंड कार्बन है इसका, इस पे क्या है, OH ग्रुप यहाँ पे चेंज हो गया है। ठीक है, बाकी सब कुछ वही है। तो अगर सेकंड कार्बन पे राइबोज के अगर OH ग्रुप चेंज हो जाता है तो दैट वी कॉल अरेबिनोज। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एपिमर है। ठीक है, क्योंकि इनके सेकंड कार्बन का पोजिशन डिफरेंट है। तो राइबोज के जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो आप देख सकते हैं किस साइड है, राइट हैंड साइड है या लेफ्ट हैंड साइड है। राइट ठीक है, राइट में है, बट इसका एक अगर लेफ्ट में आ जाएगा दैट वी कॉल अरेबिनोज। इसी तरीके से फिर आ जाएगा जाइलोज। जाइलोज में कौन सा चेंज हो रहा है, नंबरिंग हमेशा यहाँ से करनी है ऊपर से। ठीक है, जहां पर भी आपका ये कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट है उससे क्लोजेस्ट जो कार्बन होगा एंड पर वहीं से नंबरिंग चालू होगी। तो 1 2 3 4 5। ओके, सो इस केस में आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पर जो आपका थर्ड पोजिशन है वो यहाँ पर चेंज हो गई है। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला है दैट इज लाइसोज, इसमें क्या कौन सी पोजीशन चेंज हो गई है, 4th। राइट, सो दैट मींस कि ये जो हम डिफरेंट नाम सुनते हैं ये एक्चुअली में इन सब का केमिकल फॉर्मूला सबका सेम है। ये सब सेम शुगर है बट इनके एपिमर्स हैं, यानी कि सिर्फ एक कार्बन पे जो पोजीशन चेंज हो गई है, कंफिग्रेशन चेंज हो गई है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, उसकी वजह से ये डिफरेंट नाम उसको हमने दिए हुए हैं। ठीक है, और इन सबको आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी रिएक्शन में इनका नाम सुना होगा। इसी तरीके से फिर आएगा आपका 6 कार्बन। अब 6 कार्बन है तो हमने पीछे देखा था कि इसका जो इंपीरियल फॉर्मूला है दैट इज C6H12O6, बट क्योंकि यहाँ पर भी पोजिशन चेंज हो सकती है तो उसके अकॉर्डिंग इनके भी नाम डिफरेंट डिफरेंट दिए हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले देखिए कि अगर सारी OH ग्रुप किस साइड है, राइट हैंड साइड है, तो इस शुगर को हम बोलेंगे एलोज। तो ये आपकी डीएलोज है। इसमें अगर सेकेंड कार्बन पे चेंज हो जाए तो दैट वी कॉल एल्ट्रूज, और अगर आपकी थर्ड कार्बन पे चेंज हो जाए, जैसे कि हमारे किस में होता है, ये ग्लूकोज में होता है। ठीक, इसी तरीके से फिर आ जाएगा मेनूज। यहाँ पर आपका क्या है कि ये आपका ये फिर चेंज हो गया एज कम्पेयर टू ग्लूकोज, और एज कम्पेयर टू एलोज देखेंगे तो यहाँ पे 2 कार्बन चेंज हो गए। ठीक है, यहाँ पे 2 आपकी कंफिग्रेशन चेंज हुई है। इसी तरीके से बाकी में हो रहे हैं, ये ग्लूज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिफरेंट हो गया है। आइडोज है तो यहाँ पर ये और ये, इसके अलावा गैलेक्टोज आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये और ये दोनों हुए हैं। और टेलोज में इसमें क्या है कि ये चेंज हुआ है, मतलब बाकी तीनों चेंज हो गए हैं, एक आप कह सकते थे। तो देखा सबका फॉर्मूला सेम है C6H12O6, बट ये क्या है, ये सब स्टीरियो आइसोमर्स हैं। किसके, आप कह सकते हैं कि ग्लूकोज के स्टीरियो आइसोमर्स। टोटल कितने स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 स्ट्रक्चर आपको इसमें दिख रहे होंगे। और जरा काउंट की करके बताइए कि ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन कार्बन सेंटर। काउंट कीजिए जरा कार्बन कार्बन कितने हैं इसमें ग्लूकोज के अंदर, 4। ठीक है, तो 4 है तो स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 8। फॉर्मूला देखा 4 2 8 और 8 ही स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो उन सब के ही नाम है। ठीक है, और उसमें क्या है, सिर्फ पोजिशन चेंज हो रही है। मेनली आपको जो याद रखना है वो ग्लूकोज है, मैनोज है, ठीक है, और आपका ये गैलेक्टोज है, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉमन यही है। ठीक है, सो इनसे क्वेश्चन बाकी को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको ये देखना है ग्लूकोज मैनोज और गैलेक्टोज में क्या क्या डिफरेंट है, किस कार्बन पे क्या चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद रखना है और उसके रिस्पेक्ट में इन दोनों में क्या चेंज आया, जो कि हमने पीछे देखा कि सेकंड कार्बन और फोर्थ कार्बन पे चेंज आया था। तो ये तो हो गई हमारी एल्डोज शुगर। इसी के साथ आएंगी हमारी कीटो शुगर। अब कीटो शुगर भी 3 कार्बन से स्टार्ट होंगी, जिसमें क्या है, डायहाइड्रोक्सी एसीटोन। डायहाइड्रोक्सी एसीटोन में कोई कार्बन कार्बन है या नहीं है, नहीं है। ठीक, फिर हम देखेंगे 4 कार्बन है, 4 कार्बन में क्या है, एरिथ्रोलूज। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देखिए ये जो यहाँ पे था ये था एरिथ्रोज और ये क्या है, एरिथ्रोलूज। तो जो कीटोन होती है, कीटो शुगर होती है, तो और ये जो आपकी एल्डो शुगर है, दोनों ही क्या है, 4 कार्बन शुगर है। तो इसका जो नेमिंग है ना वो इस तरीके से होती है, अगर इसको इरिथ्रोज बोला गया है तो यहाँ पे UL लगा देंगे इसके नाम में,
तो हो जाएगा एरिथ्रोलोज, ठीक है। तो इसी के नाम में ULOSE, तो यहाँ पे जो है बस UL और ऐड कर देंगे। सो उसके बाद UL लगाने से मतलब अगर आपको UL दिख रहा है नाम में, दैट मीन्स एक कीटो शुगर की बात हो रही है, ठीक है। सो आप सभी के नाम में देखेंगे यहाँ पे एरिथ्रोलोज है। फिर फाइव कार्बन में देखिए, फाइव कार्बन में क्या है, डी, ये था राइबोज और इसका नाम क्या रखेंगे, रिब्यूलोज। तो यहाँ पे भी यूएल ऐड कर देंगे OSE से पहले, तो ये रिब्यूलोज हो जाएगा। इसी तरीके से ये क्या था, जाइलोज, तो इसका क्या हो जाएगा, जाइल्यूलोज। सो यूएल आपको बस ऐड कर देना है। फिर इसी तरीके से आपका नेक्स्ट आ जाएगा ये सिक्स कार्बन शुगर। सिक्स कार्बन शुगर में आपका फ्रक्टोज आपको पता है, तो कुछ की कॉमन नेमिंग है अलग से, और बस इसमें आप फ्रक्टोज याद रखिए, और एक ये याद रखिए ये सोरबोज, और एक ये फ्रक्टोज, ये दो आप याद रख लेंगे तो दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। तो ये हो गए आपके डिफरेंट टाइप्स के मोनोसैकेराइड, ठीक है। और जिसमें आपने देखे थ्री कार्बन, फोर कार्बन, फाइव कार्बन एंड सिक्स कार्बन, ठीक है। इसी तरीके से और भी हो सकते हैं, सेवन भी हो सकता है। बताइए इन स्ट्रक्चर्स में कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, क्लियर हो गए सारे स्ट्रक्चर। चलिए नाउ ये जो हमारे मोनोसैकेराइड्स हैं, ये एक्चुअली क्या है कि जो अभी हमने लीनियर स्ट्रक्चर पीछे देखा है, जो कि एक्चुअली क्या है, फिशर प्रोजेक्शन है। सो सबसे पहले हमें वही स्ट्रक्चर पता था ग्लूकोज का, जो लीनियर स्ट्रक्चर है। बट जो लीनियर स्ट्रक्चर की जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, और वो हमें उसके सॉल्यूशन में देखने के लिए नहीं मिलती थी, यानी कि जो एक्वस सॉल्यूशन होता था ग्लूकोज का, एक्वस सॉल्यूशन में ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमें देखने के लिए नहीं मिलती थी। तो क्यों नहीं मिल रही है वो प्रॉपर्टीज देखने के लिए? तो एक्चुअली क्या है कि जब हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन में ये जो हमने शुगर देखी है पीछे, हेक्सोज वगैरह, इन सबका स्ट्रक्चर वाटर के अंदर डिफरेंट होता है, और वो एक्चुअली जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज साइक्लिक स्ट्रक्चर। अभी साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, इसी के बारे में हमें समझना है। सो सबसे पहले तो हमें देखना है कि आखिर ये स्ट्रक्चर कौन कौन बना सकता है। सो अगर हम इसमें देखें तो इसमें आपका है एल्डो ट्रायोज, और इसके साथ आपके जितने भी मोनोसैकेराइड है एंड मोनोसैकेराइड्स विद फाइव और मोर कार्बोनेट्स, ठीक है। तो ऐसे मोनोसैकेराइड जिसमें कम से कम फाइव या फाइव से ज्यादा जो है आपका क्या होने चाहिए, कार्बन होने चाहिए। सॉरी ट्रायोज नहीं, टेट्रोज आएगा, चार कार्बन से। एल्डो टेट्रोज, ठीक है। सो फोर कार्बन की एल्डो शुगर, और उसके अलावा बाकी जितने भी शुगर है जिसमें फाइव या फाइव से ज्यादा कार्बन आइटम्स हैं, वो ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो फॉर्म कर सकते हैं। अब ये बताइए क्या कीटो टेट्रोज ये स्ट्रक्चर बना सकता है? कीटो टेट्रोज, तो क्या है, सिर्फ फोर कार्बन का एल्डो शुगर ही साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकता है, फोर कार्बन का कीटो शुगर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बना सकता, इसलिए इस नाम को अलग से लिखा गया है। बाकी सबके लिए क्या है, फाइव कार्बन की चाहे एल्डो शुगर हो चाहे कीटो शुगर हो, दोनों ही साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा कहाँ, ये बनेगा जब शुगर को किसमें डिसॉल्व किया जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। और बाद में जो साइक्लिक स्ट्रक्चर आया उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज मैच होती थी सॉल्यूशन से, तो इसलिए पता चला कि जो प्रीडोमिनेटिंग स्ट्रक्चर है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर दैट इज साइक्लिक स्ट्रक्चर, नॉट द लीनियर फॉर्म, ओके। अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा कैसे? सो इसमें होगा क्या है कि जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप कौन सा बताया था मैंने, क्या होता है कार्बोनिल ग्रुप में, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। तो जो कार्बोनिल ग्रुप है ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। आपको पता है कि एक ही शुगर के अंदर बहुत सारी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, उसमें से कोई जो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी ऑक्सीजन से कार्बोनिल ग्रुप जो है वो रिएक्शन कर लेगा, और उसके बाद जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो कैसा हो जाएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो जाएगा,
ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये किस किस के बीच में हो रही है, ये एक्चुअली एल्कोहल और किसके बीच में हो रही है, या तो एल्डिहाइड, क्योंकि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है या तो एल्डिहाइड में प्रेजेंट है या फिर कीटोन में प्रेजेंट है। ठीक, तो जनरल रिएक्शन यहाँ पे शुरू की, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं ये है आपकी एल्डिहाइड, ठीक है, और ये एल्कोहल OH ग्रुप, ठीक है, तो OH ग्रुप हो गया और ये आपका एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप हो गया। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी और आप उसके बाद देख सकते हैं कि ये ऑक्सीजन वहीं पर है बट डबल बॉन्ड हट गया है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है दूसरा जो चेन है वो अटैच हो गया, तो R का मतलब है कार्बन, ठीक है। सो जो इस ऑक्सीजन से एसोसिएटेड कार्बन था अब वो किससे बाइंड हो जाएगा, वो यहाँ इस कार्बन से यहाँ पे अटैच हो गया विद द हेल्प ऑफ दिस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन अब सेंटर में आ गया दोनों के, ठीक। सो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म हो गया है। सो ये जो आपका फॉर्म हुआ है दैट वी कॉल हेमी एसिटल, ठीक है। इसके अलावा अगर इसी तरीके की एक और, जैसे यहाँ पे हमने ये जो ग्रुप अटैच किया है यहाँ पर OH ग्रुप, इसी तरीके से अगर एक और OH ग्रुप आ जाए, ठीक है, तो उस केस में जो बनेगा दैट इज एसिटल। तो ये जो इनका इन बिटवीन है उसको हम बोलते हैं हेमी एसिटल। हेमी एसिटल और एसिटल में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे आर चेन नहीं है, कार्बन चेन नहीं है, बट एसिटल में क्या है यहाँ पर कार्बन चेन आ गई है, ठीक है। सो एसिटल में एक दो और तीन कार्बन चेन होंगी, जिसमें से दो कार्बन चेन किससे हैं, ऑक्सीजन की हेल्प से अटैच्ड हैं इस कार्बन से, सो दैट वी कॉल एसिटल। और हेमी एसिटल में क्या है कि सिर्फ एक ही अटैच है, दूसरी जगह पे नहीं है, बाकी आपका हाइड्रोजन तो एसिटिक है। इसी तरीके से जो रिएक्शन है वो कीटोन ग्रुप के साथ भी हो सकती है। कीटोन ग्रुप में आपको पता है यहाँ पे CO आ जाएगा, अब इसके पास एच तो होता नहीं है और ये कार्बन क्या है ये बीच में होता है चेन में, तो इसके पास ऑलरेडी दो चेन पहले से हैं, मतलब दोनों साइड पे इसके कार्बन प्रेजेंट है। इसके बाद जब ये अल्कोहल से बाइंड करेगा तो अगेन यहाँ पे क्या बनेगा, जैसे यहाँ हेमी एसिटल बना था यहाँ पे बनेगा हेमी कीटल। अब हेमी कीटल में यहाँ पर आ जाएगा बट अभी भी यहाँ पे एक इसके पास OH है, जिससे पे क्या है जिससे फर्दर रिएक्शन से एक और साइड चेन यहाँ पे अटैच कराई जा सकती है। सो अगेन यहाँ पे एक और चेन आएगी और अब यहाँ पे क्या है एक और साइड चेन आ जाएगी। सो अब ये जो कार्बन है ये पहले दो ऑलरेडी दो कार्बन से अटैच था, बाकी जो दो चेन है वो ऑक्सीजन की हेल्प से बाइंड हो गई और इसमें इस केस में इसको बोलेंगे कीटल। तो कीटल और एसिटल में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे थ्री चेन है और यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे फोर चेन है, ठीक है। तो यहाँ पे चारों की चारों साइड पे कार्बन है और बट एसिटल में सिर्फ थ्री साइड होता है, एक साइड में हाइड्रोजन होती है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एच से स्टार्ट हुआ था। तो एसिटल और कीटल का डिफरेंस समझ में आया, सबसे पहले ये बताइए। यस ठीक है, बट ये एसिटल कीटल अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है दैट इज हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल, क्योंकि जो हमारा जो रिएक्शन हुआ है उसमें क्या है एक कार्बोनिल ग्रुप और एक जो साइड चेन का OH ग्रुप है उनके बीच में रिएक्शन हुई है, जिससे क्या बना हेमी एसिटल बना, और अगर कीटोन ग्रुप है तो क्या बनेगा हेमी कीटल बनेगा। नाउ जो एसिटल और जो कीटल है ये फॉर्म होते हैं जब दो मोनोसेक्राइड एक दूसरे से बाइंड करते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे जब हम डाइसेक्राइड पढ़ेंगे, जिसका हम पढ़ेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो जब ये यहाँ पर जो कीटल ये जो बन रहा है तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया है, ठीक है, जिसे हम आगे देखेंगे। सो अब इस स्ट्रक्चर से आपको क्लियर होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपकी ग्लूकोज डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज का ओपन चेन फॉर्म यानी कि जिसमें लीनियर है, ठीक है। इसमें ये जो इसका है CO ग्रुप, अब ये क्या है ये आपका ये जो फिफ्थ कार्बन पे जो OH ग्रुप है इसके साथ बाइंड करेगा, रिएक्शन होगी, ठीक है। सो इसके जब रिएक्शन होगी तो ये OH और यहाँ पे जो CO है तो सेम रिएक्शन होगी जो कि हमने यहाँ पे देखी है, और इसमें क्या है आपका ये हेमी एसिटल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। सो अब आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन आ गया बीच में, राइट, जैसा कि यहाँ पर आ गया था ये ऑक्सीजन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया था इन दोनों के बीच में, सिमिलरली यहाँ पर ये ऑक्सीजन आ गया है। क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट है ये सुनो सर एक बार सर एक बार फिर से, ठीक, तो इसको मैं पूरा इरेज कर देता हूँ अभी समझ में आएगा। तो जैसे यहाँ पे क्या है कि ये जो फर्स्ट कार्बन मतलब जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, जैसा कि कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर था, ये इस फिफ्थ कार्बन के OH ग्रुप से, तो यहाँ पर भी OH ग्रुप है और ये इसके साथ कार्बन अटैच्ड है, इनके बीच में रिएक्शन होगी। जब इनके बीच में रिएक्शन होगी सो ये चेन पहले जो थी वो एज इट इज रहेगी, बट ये जो कार्बन था कार्बोनिल का उससे ये जो आपका सेकंड ये जो है ये अटैच हो जाएगा।
सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड चेन यहाँ पर आ गई है, और इन दोनों के बीच में क्या आ गया है, इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ऑक्सीजन रह गई है। तो इस कार्बन को इससे अटैच करना था, और ये किसकी हेल्प से हो रहा है, इस ऑक्सीजन की हेल्प से हो रहा है, तो ये ऑक्सीजन बीच में आ गई है और ये दोनों चेन क्या हो गए, एक दूसरे से बाइंड हो गए। तो कार्बन कार्बन एक दूसरे से बाइंड हो गया ऑक्सीजन की हेल्प से जो बीच में आ रहा है। सो यहाँ पर भी यही हो रहा है, यहाँ पर हमारा ये कार्बन ग्रुप था और ये OH ग्रुप है, तो इस कार्बन को इस कार्बन से अटैच करना है, इन बिटवीन ऑक्सीजन आएगी। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका ये साइक्लिक फॉर्म में आया। अब फिफ्थ कार्बन के जो OH है और जो फर्स्ट कार्बन का कार्बन है, इनके बीच में रिएक्शन होगी, और इनके बीच में रिएक्शन जैसी होगी, सो ये ऑक्सीजन, ये फिफ्थ कार्बन और ये फर्स्ट कार्बन। ठीक है, तो ये फर्स्ट कार्बन था, ये आपका फिफ्थ कार्बन हो गया और इनके बीच में ऑक्सीजन आ गई। अभी क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो इन बिटवीन ऑक्सीजन आने से क्या हो गया, ये जो चेन है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया। सिक्स्थ जो कार्बन है वो फाइव के ऊपर ही है, उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। रिएक्शन फिफ्थ कार्बन और फर्स्ट कार्बन के बीच में हुई है, तो यहाँ पर जो बीच में ऑक्सीजन आई है वो फिफ्थ और फर्स्ट के बीच में है। तो ये फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ, ये आपका फिफ्थ और ये ऊपर आपका सिक्स्थ कार्बन। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि जब ये रिएक्शन होगी तो, अच्छा अब देख सकते हैं यहाँ रिएक्शन में क्या आया था, OH ग्रुप आ गया था। ये जो पहले डबल बॉन्ड ऑक्सीजन थी उसने क्या है, एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर दिया, एक बॉन्ड ब्रेक करके वैलेंसी किससे फुलफिल की है, OH से। सो यानी कि यहाँ पे एक OH ग्रुप बनेगा और दूसरी साइड क्या रहेगा, हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन एज इट इज है और यहाँ पे क्या आ गया, एक OH ग्रुप आ गया। पहले क्या था, पहले यहाँ पर था सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, बट अब क्या आ गया, OH ग्रुप आ गया। अभी जो OH ग्रुप है, क्योंकि ये भी क्या है, अब ये जो नया जो बॉन्ड बना है, ठीक है, अब ये जो कायरल, ये जो कार्बन है, ये पहले क्या था, ये कायरल नहीं था, ये क्या था, ए कायरल। पहले तो था ये ए कायरल, बट अब क्या हो गया, ये अब ये कायरल हो गया, अब ये कार्बन कायरल हो गया। तो जो कार्बन पहले ए कायरल था, अब वो कायरल हो गया। कायरल मतलब उससे फोर डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं। तो आप जैसे कि यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये आपका कार्बन हो गया, इससे एक दो तीन और चार, फोर डिफरेंट ग्रुप अटैच है। इसी तरीके से ये जो कार्बन है इससे भी वन टू थ्री और ये फोर, तो फोर डिफरेंट ग्रुप अटैच हो गए। तो ये कैसा कार्बन हो गया, कायरल कार्बन। अब क्योंकि कायरल कार्बन है तो इसके भी स्टीरो आइसोमर्स बनेंगे इस पोजिशन पे। अब इसके जो स्टीरो आइसोमर्स बन रहे हैं उसमें क्या है, या तो ये OH ग्रुप यहाँ नीचे की तरफ आएगा या ये OH ग्रुप ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, अब OH ग्रुप ऊपर आएगा या नीचे आएगा उसके बेसिस पे इसके जो आइसोमर्स हैं उसको बोलेंगे अल्फा एंड बीटा। क्लियर है? सो अल्फा कब होगा, अल्फा में OH ग्रुप नीचे लिखना है और बीटा कॉन्फ़िगरेशन में OH ग्रुप ऊपर लिखना है। इसके बाद इसमें आपका एक और टर्म है, दैट इज एनोमर। तो एपिमर आपने देखा, ठीक है, इसके बाद क्या आ गया है, एनोमर। एनोमर भी क्या है, ये भी आइसोमरिक फॉर्म है मोनोसैकेराइड की, जो किसमें करी है, डिफर ओनली इन देयर कॉन्फ़िगरेशन, ओनली इन देयर कॉन्फ़िगरेशन अबाउट द हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल। कार्बन, ओके। सो एनोमर, जैसे कि आपने देखा, ये जो अल्फा और बीटा हैं, ये एनोमर है। ठीक है, एनोमर में क्या है कि ये जो हेमी एसिटल फॉर्म हुआ है, तो ये जो कार्बन है ये क्या है, हमारा हेमी एसिटल कार्बन है यहाँ पर। अभी जो हेमी एसिटल कार्बन है इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि भी कायरल कार्बन है, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है अल्फा और बीटा, दैट वी कॉल एनोमर। सो डी ग्लूकोज के दो एनोमर होंगे, दैट इज अल्फा एंड बीटा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस याद रखना, एपिमर का और एनोमर का। एपिमर में क्या था कि एक कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन जो चेंज हुई थी, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई थी। और यहाँ पे एनोवर में क्या है, एनोवर में यहाँ भी हाइड्रोक्सिल कार्बन है, बट किस पर, ये हेमी एसिटल कार्बन पे जो पोजीशन है उसके लिए से। ठीक है, सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है गेट पे कि एपिमर एनोवर, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नाउ इसको एनोमरिक कार्बन भी बोलते हैं, एनोमरिक कार्बन। नाउ ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, ठीक है, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पायरेनोसिस। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है
ग्लूकोपाइरेनोज, ठीक है। सो ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, पाइरेनोज मतलब कि यहाँ पे साइक्लिक, ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। और पाइरेनोज इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो पाइरेन रिंग से मिलता है, जिसको अभी हम आगे देखेंगे इसका स्ट्रक्चर की कैसा स्ट्रक्चर इसका है। तो क्योंकि इसका स्ट्रक्चर उससे मिल रहा है इसलिए इसको बोला गया है पाइरेनोज शुगर, ठीक है। अब जैसे कि हमने देखा कि एल्डोज शुगर के लिए क्या होगा, इसी तरीके से कीटो शुगर के लिए होगा। और जब कीटो शुगर के लिए होगा तो वहां पे जो कीटोन ग्रुप पे जो कार्बोनिल है उसके साथ रिएक्शन होगी, ठीक है। उसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, फ्रक्टोज के लिए एग्जांपल शो किया गया है। तो फ्रक्टोज में ये जो है आपका सेकंड कार्बन पे होता है कार्बोनिल, ठीक है। और ग्लूकोज में तो फर्स्ट पे ही होता है CHO, तो वहां पर इजीली हो जाता है। यहाँ पर भी किसके साथ हो रही है, फिफ्थ कार्बन के साथ, और पीछे भी किसके हुई थी, फिफ्थ कार्बन के साथ हुई थी ग्लूकोज में। तो फिफ्थ कार्बन का जो OH ग्रुप है उसके साथ यहाँ पर अगेन ये इसको अटैक करेगा, और इसके साथ अटैक करके अब यहाँ पर बीच में अगेन क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी। नाउ द थिंग इज कि जो पीछे जो हमने स्ट्रक्चर देखा था ग्लूकोज में जो रिएक्शन हुई थी, सो ग्लूकोज में सबसे टॉप पे था COH ग्रुप। अब ये तो क्योंकि टॉप पर था तो इसके साथ कोई ग्रुप तो अटैच था नहीं यहाँ पर, राइट। तो इसलिए जो वहां पे जो हमें पीछे मिला था स्ट्रक्चर वहां पे क्या था, OH एंड H, इसी तरीके से बना था, राइट। इसके केस में क्या है कि इस कार्बन से ऑलरेडी एक कार्बन अटैच्ड है, दैट इज CH2OH, ओके। सो यहाँ पर इस ऑक्सीजन की वजह से OH तो आएगा, पर जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन थी उस हाइड्रोजन की जगह पे क्या आएगा, CH2OH, क्योंकि यहाँ तो हाइड्रोजन थी तो यहाँ हाइड्रोजन आ गया। बट क्योंकि यहाँ पे CH2OH है तो यहाँ पे क्या जाएगा, CH2OH आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे क्या है, CH2OH है। तो ये आपका वो कार्बन है, सेकंड कार्बन एज पर दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। सो एज पर दिस स्ट्रक्चर ये हमारा वो सेकंड कार्बन है जहां पर कार्बोनिल ग्रुप था, ठीक है। अब इस कार्बोनिल ग्रुप की जो ऑक्सीजन थी उसने तो OH ग्रुप बना लिया, ठीक है, एक बॉन्ड ब्रेक कर लिया। और एक बॉन्ड जो ब्रेक हुआ उससे क्या हुआ, उससे दूसरा ये जो है ये फिफ्थ कार्बन के साथ उसने बॉन्ड बनाया। बट बीच में कौन आएगी, बीच में आएगी ऑक्सीजन। So, ये ऑक्सीजन हो गई, ये हो गया इसका फिफ्थ कार्बन, और फिफ्थ कार्बन से कौन सी कार्बन अटैच है, सिक्स, तो ये आपका सिक्स कार्बन। तो अगेन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो यहाँ पर भी CH2OH है और यहाँ पर भी CH2OH है, बट ग्लूकोज के केस में नहीं था, ग्लूकोज के केस में सिर्फ एक साइड पर CH2OH था, दूसरी साइड पर OH ग्रुप था, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या है, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। तो यहाँ पर पाइरेनोज नहीं है, यहाँ पे क्या है, फ्यूरेनोज। अब इसको फ्यूरेनोज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो फ्यूरेन से मिलता है, उसका पायरन से मिलता था, इसका फ्यूरेन से मिलता है, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। तो दिखा देते हैं आपको स्ट्रक्चर इसमें, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये है हमारा अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, एक्चुअली में ग्लूकोज है, ठीक है, डी ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। सो साइक्लिक स्ट्रक्चर में यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पे OH ग्रुप, ये फिफ्थ कार्बन से CH2OH एज इट इज प्रेजेंट है। यहाँ पर ये देख सकते हैं ये फ्रक्टोफ्यूरेनोज, ठीक है। सो फ्रक्टोफ्यूरेनोज में यहाँ भी CH2O और यहाँ पे भी CH2OH है, ठीक है। यहाँ पे OH दोनों में है, OH यहाँ भी है और यहाँ भी है, बट क्योंकि इसके यहाँ पर ये जो CHO ग्रुप था इसलिए हाइड्रोजन है, और यहाँ पर फ्रक्टोज में क्योंकि ये कार्बन सेकंड यहाँ बीच में होता है, सेकंड कार्बन पे होता है, तो इससे ऑलरेडी अटैच था जो कि यहाँ पर आ गया है। तो इनके अल्फा फॉर्म भी है और इनके बीटा भी है, तो ये बीटा और ये बीटा। So, जैसा यहाँ पे ग्लूकोज में अल्फा में नीचे होता है और बीटा में ऊपर चला जाता है, सिमिलरली फ्रक्टोफ्यूरेनोज में भी ऐसी होगा। यहाँ पर अल्फा में ये OH ग्रुप नीचे रहेगा और बीटा में ये OH ग्रुप ऊपर चला जाएगा, और उसी की वजह से जो पोजीशन है इसकी चेंज हो गई CH2OH ग्रुप की। अब स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, तो इनका स्ट्रक्चर फ्यूरन से मिलता है, इनका ये जो हमने पढ़े हैं कि कीटोन जो शुगर है जब वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उनका स्ट्रक्चर इससे मिलता है फ्यूरन से, और इनका मिलता है पायरन से, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ भी ऑक्सीजन है और यहाँ भी ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर मिला है ग्लूकोज के साथ और इसका स्ट्रक्चर मिला है फ्यूरेनोज से, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इनका जो नेम, इसको ये आपके फिशरमैन प्रोजेक्शन नहीं है, ये इनको ये जो प्रोजेक्शन हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो गया एक तो फिशरमैन प्रोजेक्शन, और इसके लिए जो यूज किया जाता है मेथड इसको बोलते हैं हार्वर्ड प्रोस्पेक्टिव फॉर्मूला। इसमें क्या है कि इसको हम एक तरीके से प्लेन में बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारा पेज है, मतलब जो हमारा स्क्रीन है, ये प्लेन है। सो उस प्लेन पे किस तरीके से इस स्ट्रक्चर को एडजस्ट किया जाए उसके अकॉर्डिंग इसको किया गया है, जिसमें जो बोल्ड है, ये बोल्ड का मतलब है कि ये जो थिकनेस
थिक वाली लाइन है, इसका मतलब ये ऊपर की तरफ है, ठीक है। अगर ये ऑक्सीजन और ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ये सब इस प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं, इस स्क्रीन पे लाई कर रहे हैं, तो उस केस में जो सेकेंड और थर्ड कार्बन है ये स्क्रीन से थोड़ा ऊपर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये उसका मतलब है। तो थिक लाइंस होती हैं हॉवर्थ परस्पेक्टिव फॉर्मूला में, ये जो प्रोजेक्शन है इसका मतलब है कि वो स्क्रीन से ऊपर की तरफ है स्ट्रक्चर, क्योंकि 3D तो यहाँ पे बना नहीं सकते, तो उसको शो करने के लिए कुछ मेथड यूज किए जाते हैं। ओके, नाउ इसमें जो लास्ट पॉइंट रह गया है दैट इज म्यूटा रोटेशन। अब म्यूटा रोटेशन क्या है? एक्चुअली क्या है कि अगर आप कोई सॉल्यूशन ले, सॉल्यूशन किसका लें, फॉर एग्जांपल आप ले लें अल्फा डी ग्लूकोज का, या फिर आप ले लें बीटा डी ग्लूकोज का। सो आप चाहे अल्फा डी ग्लूकोज से स्टार्ट करें, चाहे बीटा डी ग्लूकोज से स्टार्ट करें, आपको जो ग्लूकोज का मिक्सचर है कुछ टाइम के बाद वो एक स्पेसिफिक कंसेंट्रेशन में मिलेगा। और क्या मिलेगी उसमें? उसमें आपको मिलेगा 1/3 तो आपको मिलेगा अल्फा डी ग्लूकोज, और 2/3 आपको मिलेगा बीटा डी ग्लूकोज। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि 1:2 के रेशो में आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा, जिसमें 1:1 जो 1 पार्ट है वो ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज का होगा, और जो 2 पार्ट है वो किसका होगा? बीटा डी ग्लूकोज का। तो आप कह सकते हैं बीटा डी ग्लूकोज जो कंफिगरेशन है वो ज्यादा डोमिनेट कर रही है, ठीक है। और स्मॉल अमाउंट में कुछ आपको लीनियर फॉर्म भी मिल जाएगा उसके अंदर, तो लीनियर फॉर्म यानी कि ये जो लीनियर फॉर्म है इस तरीके का ग्लूकोज भी कुछ अमाउंट में मिल जाएगा, बहुत ही कम अमाउंट में, ठीक है। और इसके अलावा एक स्ट्रक्चर और, बट उसके बारे में नहीं जाना। तो ये हो गया आपका 1:2 रेशो। इसको याद रखिएगा, चाहे आप अल्फा डी ग्लूकोज का सॉल्यूशन प्रिपेयर करके स्टार्ट करें, चाहे बीटा डी ग्लूकोज, उस टाइम के बाद जब आप उस सॉल्यूशन को चेक करेंगे तो उसमें 1/3 आपको अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा, 2/3 बीटा डी ग्लूकोज मिलेगा। ये पॉसिबल कैसे हो पा रहा है? ये पॉसिबल इसलिए हो पा रहा है कि जो पहले जो चेन है, पहले अल्फा डी ग्लूकोज क्या बनाएगा, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेगा, और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जब फिर से ब्रेक होकर ओपन होगा तो हो सकता है कि आपकी बार वो बीटा डी ग्लूकोज की फॉर्म में बन जाए, ठीक है। सो मतलब फोल्डिंग और रिफोल्डिंग आप कह सकते हैं कि मतलब पहले एक बार लीनियर से साइक्लिक बनेगा और साइक्लिक से फिर से क्या बन जाएगा, लीनियर स्ट्रक्चर बन जाएगा, और इसी बीच में ये जो चेंज हो रहा है लीनियर से साइक्लिक उसमें अल्फा फॉर्म बीटा में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब बताइए इसमें कोई डाउट है? तो बीटा वाली भी कन्वर्ट हो सकती है अल्फा में? हाँ जी, ये रेसिमिक मिक्सचर बना लेते हैं। इस रेसिमिक मिक्सचर में जो कन्फिगरेशन है मतलब कोई भी सॉल्यूशन से स्टार्ट कीजिए, एट द एंड आपको तो जो रेशो है वो यही मिलेगा, ठीक है। पीछे भी आपको दिखा देते हैं, मैंने इमेज शायद शो की थी, नहीं इमेज शायद मैंने इसमें नहीं ऐड किया, ठीक है, इमेज रह गया वो। बट आप किसी भी कंफिगरेशन से स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या है इसमें ये दोनों ही मिल जाएंगे। हाँ यहाँ पर है, आप देख सकते हैं ये जो हमने कैसा साइन लगाया, ये इक्विलिब्रियम का साइन है, यानी कि ये स्ट्रक्चर इसमें है और ये स्ट्रक्चर इसमें, इंटर कन्वर्टेबल है ये सारे स्ट्रक्चर, ठीक है। सो अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज जो है वापिस से लीनियर स्ट्रक्चर बना सकता है, और लीनियर से वापिस से ये इधर भी कन्वर्ट हो सकता है। तो अल्फा जो है वो बीटा, ये जो है आपके कन्वर्ट कन्वर्टेबल है, ठीक है, क्लियर हो गया। क्योंकि ये तो फोल्डिंग है कि वो किस स्टीरो केमिस्ट्री के साथ जो है वो रिएक्शन हो रही है इनके बीच में, किसके बीच में, इस ग्रुप के और इसके साथ। तो ये अगर ये फ्रंट से बाइंड करेगा तो अल्फा बन जाएगा, और बैक से बाइंड करेगा तो बीटा बन जाएगा। तो यही बस डिफरेंस है और कुछ नहीं। तो ये इंटर कन्वर्टेबल है, ये बार बार जब लीनियर बनेगा फिर वापस से कॉइल होगा तो बीटा भी हो सकता है। क्लियर हो गया अभी? यस सर, ठीक है। बट ये एल और डी चेंज नहीं करना है, डी तो डी रहेगा, ठीक है, एल डी फॉर्म में कोई चेंज मत करना, जो चेंज आ रहा है वो अल्फा बीटा के इसमें आ रहा है कंसेंट्रेशन में। नाउ अब ये जो हमने देखा है साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी दो फॉर्म बन सकती हैं, और इसमें एक होती है दैट इज चेयर फॉर्म और दूसरी होती है बोट फॉर्म, ठीक है। इसमें ज्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना है, बस आप बस इतना याद रखिए कि जो चेयर फॉर्म है ये ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है, चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू बोट फॉर्म। तो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स हमें चेयर फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है, इतना याद रखना। इसके अलावा ये बाकी जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट शुगर है उनका
साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ पे शुरू किया गया है, ये बीटा डी राइबोस, ये बीटा टू डीऑक्सी राइबोस, तो राइबोस में आपको पता है ठीक है, और ये आपका डीऑक्सी राइबोस है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर ये जो है आपका OH ग्रुप, यहाँ से एक ऑक्सीजन हट जाती है, सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट डीऑक्सी राइबोस। ठीक है, तो इसको स्ट्रक्चर को याद रखेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन सेंटर में है दोनों में। और राइबोस क्या है, आपको कितने कार्बन शुगर है राइबोस, 4, 5 या 6? 5 कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, इसीलिए थोड़ा फ्रक्टोज जैसा दिखाई देगा, क्योंकि वो भी 5 जो रिंग है उसमें 5 आइटम होता है, यहाँ पे भी रिंग में 5 है। और बाकी अल्फा डी ग्लूकोज हमने देख लिया, अल्फा डी फ्रक्टोज हमने देख लिया, इसमें यहाँ दोनों इधर है। और गैलेक्टोज, गैलेक्टोज में क्या हो जाएगा, जो एक कार्बन है उस पर OH ग्रुप की पोजिशन चेंज हो जाएगी। तो देखिए जरा ग्लूकोज और गैलेक्टोज कहाँ पर चेंज हुआ है, 4। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ये चेंज है। और मैनोज में, मैनोज में सेकंड कार्बन पर हो जाएगा। ठीक है, तो यही बस डिफरेंस है स्ट्रक्चर के अंदर। तो ग्लूकोज के जो आइसोमर थे उन सबके नाम है, बस इतना याद रखना है, स्ट्रक्चर सबका मतलब केमिकल फॉर्मूला उन सबका सेम है, चाहे मैनोज की बात करें चाहे गैलेक्टोज की बात करें, सबका वही फॉर्मूला है, बट जो पोजिशन कन्फिग्रेशन वो डिफरेंट है, उसी की वजह से उसको एक अलग नाम दिया गया है। ठीक है, सो ये हमने मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया है। अभी बाकी नेक्स्ट क्लास में हम डाइसैकेराइड पॉलीसैकेराइड कवर करेंगे, फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सैकेराइड्स हैं ग्लूकोज फ्रक्टोज और उसके बाद स्टार्च ग्लाइकोजन और उनके क्या क्या फंक्शन हैं उनके बारे में देखेंगे। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है गेट एग्जाम में, सो इनका स्ट्रक्चर कवर करने के बाद सिर्फ हम उनके रोल देखेंगे कि उन शुगर्स का रोल क्या है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम बायोएनर्जेटिक्स स्टार्ट